फ्रेंड्स आप हमें लाइव देख रहे हैं तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास वोल्टास ब्रेटा 1.5 विंडो एसी और इसकी जो रेटिंग है 3 स्टार है। और ये देखिए आपका ये पावर कंज्यूम करता है, कूलिंग कैपेसिटी जो है 5050 है और इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो है 1330 के करीब है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो है हम बताएंगे कि इस एसी को आपने कैसे इस्तेमाल करना है या कंट्रोल करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पास से दिखाएं, ये ऑन ऑफ बटन है, ये मोड है, यहाँ से फैन स्पीड कंट्रोल होगी, टेम्परेचर और एनर्जी सेवियर। तो फ्रेंड्स जैसे आपके विंडो एसी में फंक्शन है बिल्कुल सेम फंक्शन है, तो एसी रिमोट में जो है मोस्टली आपका टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है। जैसे हम एसी ऑन कर देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, आप मोड चेंज कर सकते हैं, आप स्लीप मोड में ला सकते हैं या इसमें जो है आप टाइमर लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सभी फंक्शन आपको हम डिटेल में बताते हैं। इस बटन से तो फ्रेंड्स आपका एसी ऑन या ऑफ होगा, जैसे ये हम दबाएंगे तो ये ऑफ हो गया, दोबारा दबाएंगे तो ऑन हो गया, यहाँ से आपका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। टर्बो बटन जो है फ्रेंड्स, जैसे आप घर से बाहर से आए हैं और बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है और एसी का जो कूलिंग यूनिट है कंप्रेसर है उसको चलने में 5 मिनट मिनिमम लग जाते हैं, अगर आप टर्बो दबा दोगे तो आपका एसी इंस्टेंटली चल पड़ेगा, उसी वक्त चल पड़ेगा, तो इससे बिजली थोड़ी ज़्यादा खर्चा होगा आपका। सेवियर मोड में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपका जो कंप्रेसर है वो सेविंग मोड में चला जाता है कि उसमें कूलिंग थोड़ी सी आपकी कम होगी बट आपका जो बिजली का जो बिल है या इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लैंप से जो है फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा लाइट दिख रहा है, अगर आपको सोते वक्त दिक्कत हो रही है तो लैंप बटन दबाओगे तो बंद हो जाएगी, शायद इसमें हो नहीं रहा, मे बी देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका ये आप देख रहे हैं वी स्विंग एच स्विंग, तो इसका मतलब है हॉरिजेंटल स्विंग, बी का मतलब है वर्टिकल स्विंग। तो जैसे ये हमारा एसी है अभी ये स्विंग नहीं कर रहा तो हम दबा कर देखते हैं, तो इसमें जो है वर्टिकल स्विंग है, तो ये देखिए अब स्विंग होने लगा है, तो इसको हम रोक देते हैं वापस, तो ये हमारा स्विंग रुक जाएगा। अब जो है फ्रेंड्स ये मोड बटन है, मोड में क्या होता है कि आपके एसी में 4 मोड होते हैं, एक कूलिंग मोड, जैसे हम दबा रहे हैं ये कूलिंग मोड लग गया, ये बारिश का बूंद आ गया तो मानसून मोड। मानसून मोड में क्या होता है कि हवा में जितनी मॉइस्चर होती है ये जो है उसको वाटर फॉर्म में बनाने की कोशिश करता है। और तीसरा जो है आपका विंटर मोड है, उसमें जो है आपका टेम्परेचर सेटिंग अलग होगी, फैन स्पीड अलग होगी, और एक चौथा बिल्कुल फैन मोड है, जो लोग जिनको ठंड लग रही होती है और जो चाहते हैं कि भाई बाहर की बस ताजी हवा आए और किसी प्रकार की कूलिंग ना हो, तो उनके लिए फ़ैन मोड होता है। तो हम वापस कूल मोड में लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये फ़ैन दबाने से जो है आप फ़ैन की स्पीड बढ़ा या घटा सकते हैं, ये देखिए ये डंडे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब फ़ैन स्पीड बढ़ रही है घट रही है। और यहाँ से आपका टाइमर ऑन होगा, जैसे हम ये दबाएंगे टाइमर मोड स्टार्ट हो जाना चाहिए, जैसे ये अभी हो नहीं रहा या शायद मोड हटाना पड़ेगा, और फिर जो है हमारा टाइमर आ गया, ये देखिए फ्रेंड्स टाइमर 3 घंटा बता रहा है और जैसे ये दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। आपको टाइम सेट करना है, जैसे आप सो गए हो और आपको मतलब नींद आ रही है और आप चाहते हैं कि 2 या 3 घंटे में एसी अपने आप बंद हो जाए, तो उस वक्त टाइमर लगाया जाता है। वाईफाई जो बटन है वो सिर्फ वाईफाई अनेबल्ड एसी में काम करता है। इसमें क्या होता है आपको एसी को राउटरिंग के साथ पेयरिंग करनी पड़ती है और फिर आप घर में आने वाले होते हैं तो आप अपने मोबाइल ऐप से अपने एसी को चला सकते हैं, बस कंडीशन यही है कि आपके जो एसी है वो राउटर से पेयरिंग की गई हो और आपकी जो सेटिंग है आपके मोबाइल से सेट हो। टेम्परेचर से जो है ये टेम्परेचर बताएगा, अभी हमने बंद कर दिया था तो दबाएंगे तो ये टेम्परेचर बताएगा सराउंडिंग टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स ये था ऑल अबाउट, ये एसी हमें जो है अराउंड 25,000 के करीब आपको लोकल मार्केट से या अमेजोन से मिल जाएगा। हम वीडियो के नीचे इसका लिंक डाल देंगे, तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी इसकी कूलिंग है। अगर आपको हम बाहर से दिखाएं तो ये इसकी बाहर से बॉडी है, यहाँ से आप देख रहे हैं पाइप, यहाँ से आपका पानी आएगा, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है
और ये पीछे आप देख रहे होंगे ये इसका फैन है जो आपका चलता है। तो फ्रेंड्स ये था ऑल अबाउट, इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, धन्यवाद।